जी तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ फ्राइज, और ये बन रही है जी गाजर खीर। बड़ी मज़े की बनती है ये। इसके अंदर सारे वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, स्पेशली नारियल, तो मुझे इसमें इतना मज़े का लगता है ना, नारियल और बादाम बहुत मज़े के लगते हैं मुझे इसमें। ये गाजर खीर बन रही है और फ्राइज अभी कुछ मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल में, और बाकी इधर ये हम दूसरी शेप के काट रही हैं और ये मैंने ये काटे हुए हैं। अच्छा वो बाहर से सामने से सूरज आ रहा है ना, और वो लगी हुई है, उन्होंने जाली सी लगाई हुई है। आलूओं का कलर ही इतना मतलब अजीब किस्म का लग रहा है। मुझे ना ये बिल्कुल प्लेन फ्राइज ही पसंद है, मैं वो बेसन वाले नहीं खाती। कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मैं तो बस ये प्लेन ही खाती हूँ। अच्छा मैं एक वक्त था, मैं इतने ज़्यादा फ्राइज खाती थी कि मैं डेली डेली फ्राइज खाने होते थे। मैं फ्राइज नहीं खाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे आज मैंने ना पता नहीं कौन सा काम है मेरा जो मैंने नहीं किया। तो मैं डेली फ्राइज खाती थी, फिर उसके बाद बहुत बुरे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि ऑयली जो होते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो मैं बहुत देर बाद खा रही हूँ, मतलब अब नहीं खाती डेली। पहले बहुत मुझे बड़ा एक ना वो था कि डेली फ्राइज खाने हैं, नहीं खाती थी तो पता नहीं क्या होने लग जाता था। तो अभी बहुत कम या पता नहीं कितने टाइम बाद फ्राइज मैं बना रही हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से खीर हमारी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। ये बंद करके आपको दिखाती हूँ, ये है जिसका कलर। इसमें हमने वो किशमिश नहीं डाली अभी, नारियल सिरप जो थोड़ा सा काट के नारियल डालते हैं वो अभी थोड़ा सा डाल दिया ताकि वो गल जाए इसके साथ साथ, और उसके बाद जो क्रश करके डालते हैं वो भी इसके ऊपर डालेंगे। बड़ा प्यारा सा इसका कलर है। और इधर हमारे फ्राइज जो मैंने पहले डाले थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और अभी ये वाले भी हमारे डन है, बस ये भी निकाल लेती हूँ। और तैयारी भी मैं कर रही हूँ साथ साथ, आज हमारी वापसी है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो इधर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, ये है जी नेस्कॉफी हमारे पास, और ये है कॉफ़ी मैट, कॉफ़ी मिल्क, और ये कॉफ़ी मैंने बीट कर ली है अच्छे तरीके से। अभी बस हम इनको बनाएंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे। वैसे ये मेरे भाई ने भेजी थी कॉफ़ी बाहर से, बहुत मज़े की होती है, हम मोस्टली यही घर में यूज़ करते हैं क्योंकि वो उधर से माशाल्लाह से अक्सर भेज देते हैं। और ये हम अपनी खीर का भी इधर हाल अहवाल देख लें ज़रा। खीर ऑलमोस्ट हमारी डन है, खीर हमारी काफ़ी ज़्यादा ना थिक हो गई है। बस अब हम इसमें डालते हैं कॉफ़ी मिल्क, और कॉफ़ी हमने बीट कर ली है बस। ये जी रेडी है हमारी मज़ेदार सी कॉफ़ी, अभी ये बच भी गई है थोड़ी सी, और ये देख सकते हैं आप, अभी हम गरम गरम इंजॉय करते हैं। अभी मैं फैमिली को सर्व करती हूँ, बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से। और हो खीर का भी देखें ज़रा, मुझे याद ही नहीं इसका, मैं अपनी कॉफ़ी में लगी हुई थी। मुझे सिस्टर ने कहा भी कि इसमें ना ज़रा तुम चम्मच चलाती रहना थोड़े थोड़े वक्त से, क्योंकि मैं किचन में खड़ी थी और माशाल्लाह से मेरा दिमाग देखे, मैं अपने व्लॉग में इतनी मगन हो गई, इसका पता ही नहीं। शुक्र है मेरी नज़र पड़ गई इस पर ना। जी बच्चों को लेके जा रही हूँ मार्केट, और बच्चे कह रहे थे खाला हमने मार्केट जाना है, काफ़ी देर से ये मुझे कह रहे थे, तो मैं बस ये चाह रही थी कि बस ना ही लेके जाऊँ, इनको इधर ही चीज़ मंगा देती हूँ। कहते नहीं खाला हमें लेके चले, हमें लेके चले, मार्केट जाना है, मार्केट जाना है। तो बस अभी लेके जा रही हूँ इनको, वो सामने मार्केट है, और ये है जी मस्जिद माशाल्लाह से। कल भी मैंने कहा था मैं दिखाती हूँ, लेकिन बस वो फिर नमाज का टाइम था इस वजह से मैंने मस्जिद की तरफ किया ही नहीं। ये मस्जिद के बाहर नलका लगा हुआ है, और ये अभी ना यहाँ पे घास ना न्यू लगाई है, तो अभी वो तब ठीक तरीके से लॉन बनानी है। ये है सारी लॉन की जगह, ये देखें आप, माशाल्लाह
माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अल्लाह का घर तो होता ही प्यारा है माशाल्लाह, लेकिन इन्होंने बहुत प्यारी बनाई हुई है माशाल्लाह से। ये देखें, चलें अब ये देखें। चलो ठीक है, अच्छा जाने होने लग गई हैं। ये आ गए हैं जी हम इस वक्त स्टोर पे। चलो बच्चों जल्दी जल्दी लो, आपने क्या क्या चीजें लेनी है। जूस नहीं लेना हसन, पहले आपने आइसक्रीम भी खाई है और आप जूस कह रहे हो। ये पकड़ो, ये आपका शॉपर है। सबने अपने अपने शॉपर, चलो ये खा लो पहले, बना लिए हैं ये सारे। हाँ जी अदन, आप बिस्किट, आपकी मम्मा अभी रात को वो डिब्बे लेके आई है बिस्किट के, और कोई चीज ले लो। हाँ बाबा लेके आए हैं। देखा है यहाँ से जो जो बच्चे लेंगे वो इनको ले देंगे। नो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये आपके काम की चीजें नहीं है। इधर बच्चों की खुशियां ना बस ये छोटी छोटी होती हैं। हालांकि कितनी ही चीज ले ली, छोटी छोटी सी चीजें ली हैं इन्होंने और इतने खुश हैं कि मम्मा के जा रहे हैं। जी मैं आ गई हूँ मार्केट इस वक्त, पाकिस्तान अटामक एनर्जी कमीशन, सीटू क्लोनी शॉपिंग सेंटर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वो इफ्रा देखे मेरे से भी पहले जाके खड़ी है वहाँ पे। ये समोसे बन रहे हैं यहाँ पे, इस वक्त समोसे ही अवेलेबल थे तो वो भाई फ्रेश, मैंने कहा फ्रेश बना के देना। जी समोसे वगैरह हमने ले लिए हैं, समोसे लिए हैं, रोल लिए हैं, सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब हम यहाँ से ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक और फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह। गोरमे भी है यहाँ पे, गोरमे बेकरी, लेकिन हमने तो बस कोल्ड ड्रिंक ही लेनी है, बस वो हम इधर से ले लेंगे। आ जाओ इफ्रा। अच्छा जी ये तो बंद है शॉप यहाँ पे, पता नहीं इनको क्या मसला है, सारी शॉप्स ये बंद कर देते हैं, 4 बजे खोलते हैं। अच्छा लेते हैं, उधर से तो कोल्ड ड्रिंक मिली नहीं, इस साइड से शॉप से पता कर लेते हैं अगर इधर से मिल गई तो। मुझे ना गोरमे की कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, मैं गोरमे की नहीं लेती, मैं जो ओरिजिनल कोक होती है ना मुझे वही पसंद है, मैं वही लेती हूँ। चलो यहाँ से पूछ लेते हैं। यहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली है, अभी लेंगे यहाँ से गुलाब जामुन। बस देख के ना मेरा दिल करने लग गया गुलाब जामुन खाने को, तो मैंने कहा गुलाब जामुन भी ले ले। नो नो इफ्रा नो, नीचे करो पाओ। ले लिए चीजें, बस अब हम जा रहे हैं। चलो इफ्रा चले। थैंक यू। हाँ जी ले लिया, चलें थैंक यू। आओ नो लेट्स गो। चलें जी अब हम चलते हैं घर। इफ्रा इधर को, अभी मुझे यहाँ से मैं देखूँ किधर जाना है हमने, तो पता भी नहीं चलेगा सही तरीके से। इफ्रा किधर से जाएं हम घर, आओ आओ नीचे उतरो। ये मेरे साथ साथ है बाजी छोटी, सारी चीजें हमने ले ली हैं। ये है जी इनकी मार्केट, ये वाली गोर में भी है। यहाँ पे कुछ अच्छी बेकरीज हैं, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है बट अच्छी है, गुजारा अच्छा करती है क्योंकि ये ना सिटी से बहुत दूर दराज इलाके हैं। ये इन्होंने अपना एक यहाँ पे अलग से शहर बनाया हुआ है।
अब बस हम घर जाते हैं। अभी मैं कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको उठाना भी है और घर जाना है चल के, यहाँ से बहुत मुश्किल है।